नमस्कार, मैं श्रुति शर्मा, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के गजरोला से है, जहां नेशनल हाईवे 24 पर सीईओ ऑफिस से चंद कदम की दूरी पर अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी अनुसार पता चला है कि गजरोला के मोहल्ला लक्ष्मी नगर निवासी नियाज अली पुत्र जलालुद्दीन नेशनल हाईवे स्थित मछली मंडी से सड़क पार कर अपने घर की तरफ आ रहे थे कि मुरादाबाद की तरफ से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी। टक्कर लगने से नियाज अली की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक का पोस्टमार्टम कराने को परिजन भड़क उठे और परिजनों ने सरकारी अस्पताल में ही हंगामा खड़ा कर दिया, जिसे देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बामुश्किल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये आज शाम लगभग 7:45 बजे की घटना है। हमारे होटल के सामने ही, दिल्ली रोड पे मेरा होटल है, उसके सामने ही नियाज हमारे मोहल्ले का रहने वाला था लड़का, और ये मजदूरी का काम करता था। ये सड़क पार कर रहा था शाम को, और सामने से गाड़ी बड़ी तेज़ी से आई, कार थी कोई, और इसको टक्कर मारते हुए वो भाग गई और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। अभी पुलिस मौके पर पहुंची? हाँ, जैसे ही मुझे पता लगा मैं मौके पर पहुंचा, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी एकदम मौके पहुंच गई थी, मगर जब तक हम पहुंचे जब तक इसके जान जा चुकी थी। हमने उठा के गाड़ी में रखा, पुलिस ही लेके इसे यहाँ पे आई है, और आके यहाँ इसकी आईडी वगैरह देखी है तो पता लगा। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।